अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो में हम इन दोनों को साथ में कंपेयर करते जाएंगे एंड आई विल गिव यू अ डीप थॉट कि किस हालात में आप फंडामेंटल एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हालात में आप टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों इस्तेमाल भी क्यों होते हैं, क्या इनके बगैर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक चीज़ सीखेंगे कि मेरा नजरिया क्या है कि कौन सी चीज़ को चूज करना चाहिए, इधर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से मुराद कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, उसके लिए हमें बैलेंस शीट और कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स, न्यूज़ेस, इन सब के साथ हमें अटैच रहना पड़ता है। और किसी भी कंपनी का अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस पता लग जाता है तो हम इससे ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म करेगा। कंपैरेटिवली अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, उसमें आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स और दूसरे मेथड्स, वेव्स, सिर्फ उन पे ही काम करना होता है। सो हम टेक्निकल एनालिसिस में एक सिर्फ चार्ट्स सीखते हैं और सारी जो चीज़ें जो भी एनालिसिस हो रही होती हैं वो उन चार्ट्स पे अप्लाई हो रही हैं एंड दैट्स कंपैरेटिवली ईजी टू लर्न एंड टू अप्लाई। बिट टेक्निकल, इसलिए ये वर्ड टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल किया गया है, लेकिन देर इज मोर यूज इन द करंट सिचुएशन लाइक इमीडिएट प्रॉफिट सिचुएशन। बट फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच बिकॉज इन फंडामेंटल एनालिसिस वी आर गोइंग विद अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि अभी स्टॉक की प्राइस क्या है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी के एक वर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल डीजीकेसी हो गया या कोई भी कंपनी जिस सीमेंट सेक्टर जो ज्यादातर अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी वाकई एंग्रो हो गया, उनकी वाकई इतनी अगर वैल्यू है, उनके बुक कीपिंग, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी है, तो वो इन्वेस्टर जिनके पास बहुत सारा अमाउंट है, जो रिस्क नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, दे गो एंड प्रिफर द फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते तो दे कैन हैव एन आउटलुक फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट कंपनीज और आप उन कंपनीज को चूज करके यू जस्ट पुट इन देयर मनी एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप उसको बहुत लंबे अरसे तक उस कंपनी, फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल यही मतलब है कि आप एक कंपनी को उसकी हकीकी वैल्यू से देख रहे हैं, आपको उसकी स्टॉक प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ लोग इस चीज में मार खा जाते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस को देखना भी जरूरी है। कभी कभी हम ओवर बॉट प्राइसेस पे अच्छे स्टॉक्स को भी ले लेते हैं और इसीलिए हम जब टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो हमें ये यहां पर हेल्प करता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि व्हाट टू चूज एंड टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है व्हेन टू बाय। सो व्हाट टू बाय इज द जॉब ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, व्हेन टू बाय इज द जॉब ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमें टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी स्टॉक है जिसकी कोई क्या भी वैल्यू है, लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस में ये देखते हैं कि व्हाट इट्स गोइंग टू परफॉर्म इन द कमिंग वीक, इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग आवर या इन द कमिंग मिनट्स। तो हम सिर्फ टेक्निकल, हमें कोई भी सरोकार नहीं है कि ये शेयर ज़्यादा अच्छा है या इसे कंपनीज बाय कर रही हैं या इसे ब्रोकर्स बाय कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, इसे कोई भी हमें सरोकार नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इट्स गोइंग टू मेक अस अ प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म पीरियड। हम ट्रेडर हैं एंड मोस्टली ट्रेडर्स यूज टेक्निकल एनालिसिस टू मेक क्विक प्रॉफिट्स। स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले स्टॉक से जाते हुए पैसे बनाओ, नीचे आ रहा है तो नीचे हुए जाते हुए स्टॉक से पैसे बनाओ। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट द कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू इज। मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, आप अगर मेरी राय जानना चाहें विच वन यू शुड चूज, इधर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, आई वुड प्रिफर मोर टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि इसमें आप ज़्यादातर आसानी से कहीं भी बैठ के आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ बाय लुकिंग एट द चार्ट। अगर आप चार्ट्स में महारत आहिस्ता आहिस्ता जब फर्स्ट टाइम आएंगे आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से स्टार्ट करें, बट व्हेन यू कम टू नो अबाउट ऑल दिस चार्ट्स, आप कहीं पर भी बैठ के कैसे भी बैठ के उन चीज़ों को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ विल इट गोइंग, इज इट गोइंग टू परफॉर्म इन द कमिंग फ्यू डेज और कमिंग फ्यू मंथ्स। एंड इस चीज़ का ताल्लुक हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से नहीं है। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी सजेशन लें, आप
मेक श्योर कि एनालाइज अ कंपनी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस लोग ज़्यादा जो ट्रेडर होते हैं वो प्रेफर नहीं करते। इवन आपके ब्रोकरेज फर्म्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, दे डोंट यूजुअली प्रेफर फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम कौन सी कंपनियाँ चूज़ कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एंग्रो पे ट्रेड कर रहे हैं या आप DGKC पे, आप पायनियर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप अच्छे लोएस्ट पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये अच्छा स्टॉक लोएस्ट पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, आप उसको हाईएस्ट पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, वो भी आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प के थ्रू। लेकिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू के पता है कि ये अगर स्टॉक नीचे भी जाता है ये मुझे ज़्यादा लॉस में नहीं लेके जाएगा, बिकॉज ये एक पुख्ता कंपनी है, सो इट विल गो बैक। सो इवन इन एनी सिचुएशन, इफ़ यू आर स्टक इन अ रॉन्ग कंपनी एट द रॉन्ग प्राइस, आपके पास फिर भी यकीन होगा कि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, एक रेप्यूटेबल कंपनी है, एंड इट्स नेवर गोइंग टू लेट मी डाउन इन द फ्यूचर। सो आप उनकी होल्डिंग्स को होल्ड भी कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि आप फंडामेंटल एनालिसिस को कहाँ इस्तेमाल करें, टेक्निकल एनालिसिस को कहाँ इस्तेमाल करें। बट इट एक्चुअली इट्स मोस्टली पीपल जो हम आप मार्केट में देखेंगे, कुछ लोग प्रेफर करते हैं यार हम फंडामेंटल एनालिसिस की साइड पर चूज जा रहे हैं, हम एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं, कुछ लोग तो अपनी कहानी बना के कहते हैं हमने बस जो न्यूज आई उस पर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी होंडा कुछ दिनों में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, तो इफ दे आर गोइंग टू लॉन्च न्यू कार्स, अब सडनली होंडा की प्राइस उस दिन या उससे नेक्स्ट दिन दो दिन तो उनकी प्राइस थोड़ी हाइकअप में रहेगी, तो उसका लोग न्यूज समझ के उसको लोग प्रॉफिट में वहां से प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। आपको कभी न्यूज मिले कभी ना मिले, तो इस तरह की ट्रेडिंग जो न्यूज बेस्ड है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। कंपैरेटिवली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं और फंडामेंटल दोनों को साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हर नेक्स्ट डे पे प्रॉफिट बना सकते हैं, हर कमिंग मंथ हर कमिंग वीक पे आप एक करियर बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इफ यू थिंक यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो, एंड वी विल कैच यू इन अदर वीडियो। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।